देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में हरितालिका व्रत को लेकर एक दिन पूर्व बाजारों में जबरदस्त गहमागहमी दिखाई दी। महिलाओं ने निर्जला व्रत की खूब तैयारियां कर रखी हैं। साज श्रृंगार की दुकानों पर भीड़ रही, वहीं मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाएं उमड़ी। आजमगढ़ में हरितालिका तीज के कठिन तपस्या के व्रत पर सुहागिन स्त्रियों ने कई दिन पूर्व से ही तैयारियां कर रखी थी। देश में तीज त्योहारों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भले ही मनाया जाता है, लेकिन सब की आस्था व महत्वता एक ही रहती है। आजमगढ़ में भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं, चाहे राजस्थानी हो चाहे बिहार के लोग, सब अपने अपने तरीकों से तीज के व्रत को मनाते हैं। पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाएं तड़ाके ही व्रत रख लेती हैं और पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। शाम को शिव पार्वती की कथा सुनते हैं और पूजा करती हैं। इसके अलावा दूसरे दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण के अलग अलग भले ही तरीके हों, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। व्रत में मान्यता है कि महिलाएं नवविवाहिता की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। हालांकि इसको लेकर काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं। नई साड़ी, हाथ पर मेहंदी, श्रृंगार सामग्री सभी कुछ नए पहने जाते हैं, जिसको लेकर मार्केट में भी खूब गहमा गहमी दिखाई दी। व्रत रखने से पूर्व अलग अलग मिठाइयों का सेवन महिलाएं करती हैं, तो इसके लिए भी आजमगढ़ में स्पेशल इमरती की डिमांड रहती है। दुकानदार इसकी भी तैयारियां करते दिखाई दिए। एक खास 2 किलो की बड़ी इमरती भी बड़ी मेहनत से बनती है। इसको करीने से बनाया जाता है, लेकिन यह भी बिक जाती है। सबसे खास भीड़ मेहंदी लगाने वालों के यहाँ दिखाई दी, जहाँ सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जो देर शाम तक जारी रही। मेहंदी के अलग अलग डिजाइन और रेट को लेकर पूछताछ होती रही। अरेबिक स्टाइल, मुंबई, राजस्थानी, मारवाड़ी, हर डिजाइन की मेहंदी 100 से 200 रुपये प्रति हथेली के हिसाब से रचती रही। व्रती महिलाओं में बेसब्री रही, वहीं मेहंदी लगाने वालों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं दिखाई दी। अच्छा, आप यहाँ ही मेहंदी लगवाने क्यों लगाएंगे? ऐसा है कि कल आज नहाए खाए हम लोग का था, और कल हम लोग दिन भर निराजल रह के और शाम के बेला हम लोग गौरी जी का और शंकर भगवान का पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में पूजन करके घर पे जाएंगे, पूरा रात ऐसे रहेंगे। फिर सुबह में जब पंडित जी बताएंगे कि आपको इस टाइम आपको पूजा करना है, जैसे कि व्रत को तोड़ना है, तो वही कुछ चाहे दो तरीका होता है, जैसे कि एक लोग उड़दी खा के तोड़ती हैं और एक चना खा के तोड़ा जाता है, तो दो चीज होता है, जिसको जो जहाँ जहाँ का रिवाज है वैसा करते हैं। अच्छा, क्यों व्रत रहा जाता है? ये पति के लिए व्रत रहा जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन। क्या नाम है? आर्यन। अच्छा, आप मेहंदी लगाते हैं, कैसा माहौल चल रहा है इस समय? इतनी टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे कैसे रेट है, कैसे डिजाइन है? सर, यहाँ से 100 रुपए में अरेबियन है, उसके आगे 150 है, 200 में है, 300 में भरा हुआ पूरा गुलेंग जैसा। अच्छा, रश बहुत है, भीड़ बहुत है? सर, गुलेंग तो बहुत भीड़ है। खाने में चीज के उपलक्ष में बनाया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको इमरता कहते हैं। कितना बड़ा होता है ये? लगभग 2.5 से 3 किलो का होगा। अच्छा, मिट्टी 2.5 से 3 किलो की, इसको क्या करेंगे फिर? इसको भी टांगेंगे, शाम को जब भीड़ हो जाता है, जब लास्ट में खत्म हो जाता है, इसको तोड़ के बेच देंगे तो खड़े बिक जाता है। बिक जाता है। कितनी डिमांड रहती है तीज पे? ये
चीज पे बहुत डिमांड आती है। इमरती ही खा करके मिर्ची दही रबड़ी यही लोग खा करके महिलाएं लोग व्रत करती है।